इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 8। इस डायग्राम में ब्रेन के दो पार्ट्स दिखाए गए हैं, यह है पॉन्स वेरोलाई है और यह है मेडुला। और इन दोनों ब्रेन के पार्ट्स में रेस्पिरेटरी सेंटर्स मौजूद होते हैं जो हमारे ब्रीदिंग के रेट को रेगुलेट करते हैं। हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रीदिंग का रेट और ब्रीदिंग की जो डेप्थ है, जो जितनी गहराई से हम सांस लेते हैं, ये ऑल्टर होते हैं। तो ये जो सेंटर्स हैं जो पॉन्स और मेडुला में प्रेजेंट होते हैं, यह रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम रेस्पिरेशन के रेगुलेशन को समझेंगे। तो अभी अभी हमने डायग्राम में देखा है रेस्पिरेटरी सेंटर्स हमने दिखाए हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स वेरोलाई, इन दो ब्रेन के पार्ट्स में रेस्पिरेटरी सेंटर्स मौजूद होते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, और यह रिदम सेंटर हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग को रेगुलेट करता है। जो इस समय जो ब्रीथिंग चल रही है हमारी बॉडी में, जब हम कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बॉडी में कोई स्ट्रेस नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन में जो ब्रीदिंग होती है वह मेडुला ऑब्लोंगेटा में मौजूद रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर से रेगुलेट होती है। तो जब यह रिदम सेंटर एक्टिव होता है तो यह डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल भेजता है, और यह दोनों मसल्स, फ्रेनिक मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एज अ रिजल्ट इंस्पायरेशन होता है। और जब यह रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इनएक्टिव होता है तो इन मसल्स को कोई सिग्नल नहीं मिलता है, और इस केस में ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अब, तो ये मसल्स रिलैक्स होंगी और एज अ रिजल्ट एक्सपायरेशन होगा। यह सारा प्रोसेस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का किस तरह से होता है, यह सारा प्रोसेस हम पहले के प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जब एक्टिव होता है तो ये सिग्नल भेजता है फ्रेनिक मसल्स यानी कि डायफ्राम की मसल्स को और इंटरकोस्टल मसल्स को, तो इस सिग्नल की प्रेजेंस में ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एज अ रिजल्ट इंस्पायरेशन होता है। और जब यह रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कोई सिग्नल नहीं भेजता है तो उस दौरान ये मसल्स रिलैक्स होती हैं और एज अ रिजल्ट एक्सपायरेशन होता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेकिन जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या बॉडी में किसी भी तरह का स्ट्रेस है, तो उस दौरान पॉन्स वेरोलाई में एक सेंटर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो यह न्यूमोटैक्सिक सेंटर स्ट्रेस कंडीशन में एक्टिव होता है, और जब यह सेंटर एक्टिव होता है तो हमारा ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ब्रीदिंग रेट रेगुलेट होता है दो सेंटर्स के द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और पॉन्स वेरोलाई में न्यूमोटैक्सिक सेंटर। नॉर्मल रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, और जब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है और स्ट्रेस कंडीशन में या जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दौरान, तो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट बढ़ती है ऑक्सीजन की, तो ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है जब यह न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक्टिव होता है पॉन्स वेरोलाई में। तो इस तरह से हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का रेगुलेशन होता है। अब हम सेंट्रल और पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स की बात करेंगे। तो ये जो केमोरिसेप्टर्स हैं, सबसे पहले तो अपने स्टूडेंट्स को बता दें इनका क्या फंक्शन होता है। तो ये ब्लड में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर और हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं, यह केमोरिसेप्टर्स। तो ये दो तरह के केमोरिसेप्टर्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। तो यहाँ पर ये देखिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो केमोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन्हें हम सेंट्रल केमोरिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि ये केमोरिसेप्टर्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाने वाले केमोरिसेप्टर्स ये सेंट्रल केमोरिसेप्टर्स हैं, और यह ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करेंगे। और पेरिफेरल केमोरिसेप्टर्स हमें देखने को मिलते हैं हार्ट में। तो यहाँ पे हार्ट पे ये देखिए, ये एओर्टा, तो एओर्टा पे ये देखिए, आपको यहाँ पे डायग्राम में एओर्टिक बॉडीज दिखाई दे रही हैं, और उसी तरह से यहाँ पर कैरोटिड आर्टरी, यह नेक रीजन में ये एक आर्टरी होती हैं, इन ये दो आर्टरीज यहाँ पे देखने को मिलती हैं नेक रीजन में, जिन्हें हम कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। और कैरोटिड आर्टरीज पर ये देखिए
देखिए ये है कैरोटिड बॉडीज। तो ये जो कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज हैं, यह ब्लड प्रेशर को एस्टीमेट करती हैं, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करती हैं और ब्लड की केमिस्ट्री, खास तौर से कार्बन डाइऑक्साइड और एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करती हैं, एस्टीमेट करती रहती हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इन केमोरिसेप्टर्स का क्या रोल है रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने में। यहाँ हमने केमिकल रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हैं। तो ये बात तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि केमोरिसेप्टर्स कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं। तो जब बॉडी में इन सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो कब बढ़ेगा, तो जैसे स्ट्रेनर्स एक्सरसाइज हो रही है बॉडी में या किसी भी तरह की स्ट्रेस कंडीशन से हमारी बॉडी गुजर रही है, तो उस दौरान हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो जब ये कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ेगा तो ये केमोरिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं और ये रेस्पिरेटरी सेंटर्स को सिग्नल भेजते हैं। तो अब ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, अब ये ब्रीदिंग के प्रोसेस में कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे। तो जैसे ये केमोरिसेप्टर हैं, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे और न्यूमोटैक्सिक सेंटर अब ब्रीदिंग के रेट को बढ़ाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा है कि जो केमोरिसेप्टर्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का बहुत ही इनसिग्निफिकेंट रोल है इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो बहुत ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरव्यूअर्स भी इसी इन्हीं तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चंस पूछते हैं। इस डायग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड की होमियोस्टेसिस दिखाई है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में किस तरह से रेगुलेट होता है। तो एक्सरसाइज के दौरान अगर कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी और कार्बोनिक एसिड बनाएगी जिससे ब्लड का पीएच कम हो जाएगा। और ये सारे चेंजेस जो ब्लड में हो रहे हैं वह ये रिसेप्टर्स मॉनिटर करेंगे। और ये जो रिसेप्टर्स अभी हमने बात करी है केमोरिसेप्टर्स की, तो ये केमोरिसेप्टर्स ब्लड में होने वाले इन चेंजेस को मॉनिटर करेंगे और एज अ रिजल्ट ये नर्व सिग्नल्स भेजेंगे। और ये नर्व सिग्नल्स जो हमारे रेस्पिरेशन के सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे और एज अ रिजल्ट ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग रेट के बढ़ने से ये कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में एक्यूमुलेट हो चुकी है यह जल्द से जल्द हमारी बॉडी से बाहर फेंकी जाएगी, बाहर निकाली जाएगी और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अब बॉडी में फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को हमारी बॉडी में रेगुलेट किया जाता है।